जय माता दी। मैं मोनिका छेलर आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल भाग्य के सितारे पे। इस महाशिवरात्रि आप कैसे अपने सभी ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं और भोले बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं, ये मैं बताऊंगी आपको आज की वीडियो में। तो सबसे पहले सूर्य ग्रह की बात करें। यदि आपको लगता है कि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत नहीं है या आपको सरकारी कार्यों में रुकावट आ रही है, तो आप समझ जाइए कि आपको कहीं ना कहीं सूर्य की दिक्कत है। इसके लिए आपको तांबे के लोटे से शिव लिंग पर अभिषेक करना है, जलाभिषेक करना है, और आप तांबे का कोई पात्र या लोटा ही मंदिर में दान कर सकते हैं। दूसरा ग्रह हमारा चंद्र ग्रह है। यदि आपको लगता है कि आपका मन बहुत चंचल है या आपको चंद्रमा से संबंधित कोई भी परेशानी है, बीमारी है, तो आप इस महाशिवरात्रि, क्योंकि यह 117 वर्ष में महासंयोग के साथ, स्वार्थ सिद्धि योग के साथ यह शिवरात्रि आ रही है और भोले बाबा हमारे मुख्य इष्ट देव हैं, सभी हमारे कष्टों से हमें शीघ्र मुक्ति देने वाले हैं, तो आप अगर सभी ग्रह की पीड़ा से मुक्ति के लिए उपाय करना चाहते हैं तो यह आपके लिए विशेष मौका है। तो चंद्रमा अगर आपके कमज़ोर है तो आप कच्चा दूध और गंगा जल मिलाकर स्टील के लोटे में आपको मिलाना है। कभी भी तांबे वाले किसी भी पात्र में आपको दूध मिलाकर शिव पर अर्पित नहीं करना होता, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप कच्चा दूध और गंगा जल लें, मिश्री भी आप इसमें थोड़ी डालें और इस जल से आप जलाभिषेक करें। जब भी आप जलाभिषेक करते हैं तो पुरुष ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करें और महिलाएं नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए जलाभिषेक करें। तीसरा ग्रह हमारा मंगल ग्रह है। जिनको मंगल से संबंधित कोई भी पीड़ा है, वह जल में गुड़ मिलाकर भगवान शिव पर जलाभिषेक करें। जिन जातकों की कुंडली में बुध ग्रह खराब है या पीड़ा दे रहे हैं, वो शिव पार्वती के पूजन के पश्चात सात कन्याओं को भोजन दें और साथ ही गाय को हरा चारा प्रदान करें। बृहस्पति ग्रह, जिन जातकों की कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर है या उनको किसी भी प्रकार से बृहस्पति से पीड़ा मिल रही है, तो वो केसर मिलाकर जल में भगवान शिव पर जलाभिषेक करें। शुक्र ग्रह, जिन जातकों की कुंडली में सूर्य शुक्र अस्त है या उनको किसी भी प्रकार से शुक्र ग्रह से पीड़ा मिल रही है, वह दही और दूध मिलाकर भगवान शिव पर जलाभिषेक करें। शनि ग्रह, जिनकी जातकों पर साढ़े सती है, ढैया है या शनि की पीड़ा है, वह सरसों के तेल से शिव अभिषेक करें। राहु ग्रह से जिनको पीड़ा मिल रही है, वह जल में सात, एक लोटा जल लें, उसमें सात जौ के दाने डालकर आप भगवान शिव पर उसको अर्पित करें। वही बातें आपको ध्यान रखनी है कि पुरुष ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें और महिलाएं नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए यह अभिषेक करें। केतु ग्रह से जिनको पीड़ा है, वह भी शहद मिला जल भगवान शिव पे अर्पित करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है मेरे द्वारा बताई गई बातें, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।